दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग मेरे लास्ट वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ऐसे प्यार आप देते रहिए और ऐसे मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करते रहिए। और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का मेरा वीडियो बच्चों के ब्रेकफास्ट पे है, खास करके मेरी बेटी को ये ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल के हमारे भाग दौड़ की जिंदगी में सब कुछ हमें जल्दी चाहिए होता है, चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। तो आज मैं अपनी बेटी का एक ऐसा फेवरेट ब्रेकफास्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो उसे बहुत पसंद है। सारे ब्रेकफास्ट में वैसे तो बहुत कुछ खाती है, लेकिन उसको फिर भी ये बहुत पसंद है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहती हूँ और आई होप कि आपके बच्चे को भी वो बहुत पसंद आएगा। आप एक बार ट्राई करिएगा और अपने बच्चे को एक बार जरूर खिला के देखिएगा। और ये कम से कम समय में बन जाने वाला ब्रेकफास्ट है और ये काफी न्यूट्रिशन से भी भरा हुआ है और इसमें काफी हेल्दी चीजें भी हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि मेरी बेटी को बहुत भूख लग गई है और अब उसको जल्दी जल्दी नाश्ता चाहिए। तो फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आइए, फटाफट नाश्ता बनाते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। चलिए, ये सूजी उपमा के इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कौन कौन से ब्रांड यूज करती हूँ, गोवर्धन घी और दही में ज्ञान, जिसमें मैं घी, सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स, दही, एक कटोरी पानी, सूजी, हल्दी, नमक, हींग, मखाने का पाउडर जो कि मैंने घी में भून लिया था उसको आप पाउडर कर लीजिएगा, एंड देन लास्ट में ड्राई फ्रूट्स के पाउडर जिसमें मैंने बादाम और अखरोट का पाउडर बनाया हुआ है। तो अब हम बनाते हैं आज का सूजी उपमा ब्रेकफास्ट। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक कटोरी के लगभग पानी डाल दीजिए। अब आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। पानी डालने के बाद अब आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसमें बॉयल आ गया है, तो अब इसमें हम हाफ टी स्पून मतलब आधा चम्मच दही मिलाएंगे। दही आपके लिए ऑप्शन है, अगर आपका बच्चा टेस्ट पसंद करता है तो आप डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डाल सकते हैं। मेरी बेटी को दही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा मैं उसे खट्टा बनाने के लिए इसमें दही का इस्तेमाल करती हूँ, पर ज़्यादा नहीं, ओनली हाफ टी स्पून, आधा चम्मच। ये आपके लिए ऑप्शन है, आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं भी। आप इसे चलाते रहिए, नहीं तो ये जलने का चांस है। इसे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम में रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो आप इसे जब इसकी आपकी कंसिस्टेंसी आपको दिखे, जब ये आपका इस फ्लेम में गिर रहा है और आपके स्पैचुला में थोड़ा सा अटैच्ड है, तब आप इसे फ्लेम में इस फ्लेम को आप बंद कर दीजिए। आप सबको फ्लाइंग किस दीजिए, फ्लाइंग किस दे दीजिए। आहा, वेरी गुड, बाय करिए।